हाँ भाई, डेट पर जा तो रहा तू, पर वहां जाकर ज्यादा गालिब का चौदा मत बनिए। अपनी शायरी पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। देख भाई, ऐसा है, मैं शायरी के अंदर नहीं हूं, कहीं ना कहीं शायरी ही मेरे अंदर है, तो यो तो दूर होती है नहीं। बस बस, तो फिर तो रंडवाई मरेगा। जा भाई, मत इससे बढ़िया। हाँ तो क्या हो गया भाई, तू गंडवा मर सके, मैं रंडवा नहीं मर सकता। अच्छा, अरे पहली वाली से ब्रेकअप कैसे हुआ था भाई तेरा? भाई लोग आस्तीन की बात करते हैं, मैंने दिल में नागिन पाली थी, ट्रू लव फीलिंग की बात करके साली चूतिया काटने वाली थी। शेर बहुत ही तकड़ा लिखा है। तो फिर तो तुमने कुछ पिकअप लाइन भी सोच रखी होगी। हाँ हाँ भाई, मास्टरपीस। बेशक सारी खुशियां छीन के मेरी जिंदगी गमों से भर देना, बस एक बार वो चीज दिखा दो जिसे लड़कियां कहवे बाबू देख के डिलीट कर देना। बहुत ही तकड़ी लिखी है भाई, बहुत ही तकड़ी। इसे सुनकर ना वह कैफे में नहीं बैठ पाने की। और कहां जाएगी? ओयो में जाओगी सिंधी, ओयो में। बहुत बढ़िया लिखी है, बहुत ही बढ़िया। बस तो चलूं फिर मैं। हाँ हाँ हाँ, पहुंच जल्दी, पहुंच जल्दी पहुंच। अच्छा, डेट पे जा रहा है, पैसे वैसे का इंतजाम तो होगा भाई? इंडी बैट से सब हो गया। इंडी बैट? यो क्या है भाई? इंडी बैट ना इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो 5 गुना डिपॉजिट ऑफर करता है। जैसे कि तुमने अगर 500 डाले तो तुम्हें मिलेगा 2500 रुपये का डिपॉजिट, यानी कि 400% डिपॉजिट अप टू 25,000। और यहाँ पे 24/7 विड्रॉल और डिपॉजिट जैसी फैसिलिटी है। और यहाँ पे 5,000 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स और गेम्स हैं, और 24/7 कस्टमर सर्विस है, ताकि तुम हैसल फ्री जीत सको। भाई ये तो बहुत सही है यार, मैं भी अभी इसमें खेल के जीतना शुरू करता हूँ। कर फटाफट। भैया आप वही है ना जो शायरी सुनाते हो? हाँ हाँ, वही गंदी गंदी। हाँ भैया, मैंने सुना आप किसी चीज पे भी शायरी बना लेते हो। ऐसा है? अच्छा, इस पे सुनिए जरा। गालिब तेरी दुनिया में कैसे कैसे इशू, गालिब तेरी दुनिया में कैसे कैसे इशू, कोई करके मांगे कपड़ा और कोई मांगे टिशू। माय हाय, दर्द है शायरी में भाई साहब, जूता कैड़े फिरेगा। सुन भाई, अगर कोई गलती होगा ना तो मुझे बीच में टोक दिए। जी टेंशन ना लो। हाँ कहाँ रहेगी? Excuse me, आप? Oh, hi. बैठिए। मुझे लग रहा था देसी गवार से होंगे, but you look great. हाँ, पता नहीं देसी के साथ तो लोग गवार खुद ही अज्यूम कर ले। मैं जैसे मैं आइसक्रीम भी तवे पे फ्राई करके खाते हूँ। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, एक्चुअली तुम पढ़े लिखे से लग रहे हो। ना 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 ना, देखो ऐसे ऐब हमने कभी नहीं पाले, ये इल्जाम बिल्कुल ना लगाइयो। घर वाले हमें कंप्यूटर दिलवाया था नू सोच के कि हमारा छोरा दिन रात करेगा कोडिंग, पर हुई क्या उसमें? पोर्न लोडिंग। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, बट आई एम क्यूरियस टू नो कि तुम्हारा पहला ब्रेकअप कैसे हुआ था। मैं पीकर नहीं बहकता, मैं बहकता हूँ उसे देख कर। मुझे छोड़कर बाकी सब गए उसकी गुफा में भुट्टा सेक कर। कौन कौन गया सेक कर? उसका बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड? मुझे लगता है शायद लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड से आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। क्यों ना होगी भला? अरे हर एक लव स्टोरी में एक होगा राजा
एक हो रानी, पर फिर भी पता नहीं ना क्यों बीच में अपनी माँ चूज कीजिए सर। क्या लेंगे आप? जूस लेंगे। जूस, ओके सर। आपको नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा ही ज्ञान है? अरे बहुत ज्यादा, पर घमंड कभी छोड़ नहीं गया। ना ना, क्या आप बताओ आपका ब्रेकअप कैसे हुआ? आप ही बता दो, लड़कियों के ब्रेकअप की मेन वजह क्या होती है, क्योंकि आपको तो बहुत ज्यादा ज्ञान है शायद। देखो जहाँ तक मुझे लगता है ना, लड़कियों के ब्रेकअप की वजह होती है उनकी खुद की उम्मीद, क्योंकि हर लड़की को लगता है कि रिलेशनशिप में उसे एल मिलेगा, मतलब लव, लॉफ्टर और लाइफ, पर मिलता वही है जो तुम्हारे दिमाग में जस्ट अभी आया। ऑब्वियसली, क्योंकि लड़कों को ओयो के अलावा कुछ दिखाई तो देता नहीं है। देखो इस छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है, इसके में ओयो अगर बुरा है तो अच्छा क्या है? मतलब ये ना लोगों के माइंड सेट है आजकल। और बताऊँ, अगर जो रोमियो जूलियट के टाइम पे आईफोन होते हैं ना, तो रोमियो भी नहीं कह रहा होता बाबू देख कर डिलीट कर दूंगा। मतलब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ। अजी अब कहाँ स्ट्रेट बच रहा, अब तो ऐसा बैंड। मतलब मतलब छोड़ो आप, बस ये बताओ आपका ब्रेकअप कैसे हुआ था? शुरू शुरू में सबको लगता है कि मोहब्बत बड़ी गहरी है, बट घूम फिर के बाद में एक ही चीज पे ठहरी है। वैसे आप उनमें से तो नहीं हो जो बेवफाओं से हार के वफादारों से बदला लेते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हे ठीक है। अच्छा आपको कैसा लड़का पसंद है? लड़कियों को क्या चाहिए होता है, एक सोलमेट, पर मिलता क्या है, एक चूतिया सा क्लासमेट या फिर कोई हॉलमेट। या एग्जैक्टली, मुझे ना तुम थोड़े टफ से लग रहे हो, मतलब रिलेशनशिप, ब्रेकअप, रोना धोना, इन सब से तुम्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? देखो फर्क पड़ने ना पड़ने की बात ऐसी है, मैं ना इमोशनली फूल नहीं बनता। मेरा मानना है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड रो रही है और उसकी नाक से बुलबुले नहीं बन रहे, तो समझ लो लंका ड्रामे कर रही है। ये कैसा लॉजिक हुआ? अरे सच में लोंडिया का सुन के पलकों पर धरे रहा मैं। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं। पता ना हमें क्यों ना मिली आज तक कोई ऐसी। अच्छा वैसे तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक पार्टनर को लेके? पता है कल मेरे दादाजी ने मुझे आवाज लगाई कि पुराने और मॉडर्न प्यार का बेटे तुझे फर्क बताता हूँ आजा। गर्लफ्रेंड तो हमारे जमाने में होती थी जो रोटियां चुरा के लाती थी, आजकल की तो बॉयफ्रेंड को बेचा खा जा। होप तुम ऐसे नहीं हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वेल आई हैव टू लीव नाउ, सो नाइस टू मीट यू। मैं ये लाई थी तुम्हारे लिए, खा के बताना कैसा है। पर रिव्यू दूंगा कैसे? यार इतनी अच्छी वाइब आ रही है, अब सीधा होटल। शट अप, बाय। हाँ भाई कैसी रही डेट? जैसा पता मैं तो साला नजर लगा होगा। कुछ नहीं यार, मैंने तो उसे पहली चीज पूछी और अगली बिदक के भगी। ऐसा क्या पूछ लिया भाई तुमने? यही कि एक काला धुरंधर ऐसा है जो हमेशा मेहनत की खाता है, पर एक बिल्ली को मारने के चक्कर में खुद शहीद हो जाता है। पता नहीं इसमें बिदक के भगने वाली कौन सी बात थी। अरे तुमने इतना मुश्किल सवाल क्यों पूछा भाई उससे, और इसका जवाब क्या है वो तो बता। हेलो दोस्तों, तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा लो। और यार इंडी बैट में खेलना शुरू करो, आपको 500 रुपए के डिपॉजिट पर मिलेंगे 2500 रुपए, यानी कि 5 गुना ज्यादा डिपॉजिट और 5 गुना ज्यादा मजा, और इसपे 5000 से ज्यादा गेम्स अवेलेबल है। मजे करो यार।